हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्पेसेस में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ भरतरी गुफा में। ये गुफा क्यों इतनी प्रसिद्ध है, भरतरी जी कौन थे और उनका अपने इतिहास में क्या महत्व है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। संसार में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो रहस्य, रीति रिवाजों और मान्यताओं के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में भी कई स्थान ऐसे हैं जो रहस्यमयी हैं। उज्जैन में ऐसा ही एक स्थान है, राजा भर्तरी की गुफा। यह गुफा नाथ संप्रदाय के साधुओं का साधना स्थल है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है, जिसके कारण वहां सांस लेने में कठिनाई होती है। गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। राजा भर्तरी के साधना स्थल के सामने ही एक अन्य गुफा भी है। मान्यता है कि इस गुफा के चारों धामों के लिए रास्ते जाते हैं। प्राचीन उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी के परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य हुए थे। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी के पुत्र विक्रम आदित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तरी। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तरी को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तरी विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तरी धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथा के अनुसार राजा भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन जब राजा भर्तरी को पता चला कि रानी पिंगला किसी और पर मोहित है, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि राजा भर्तरी की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे। कहीं वह वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण न कर दे, इंद्र ने भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के पंजों का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। पंजे का यह निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कद काठी कितनी विशाल रही होगी। भर्तरी ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भर्तरी ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी मेहनत आपको ये बताने के लिए थी कि भर्तरी जी का क्या महत्व अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी जो जानकारी है और ये वीडियो है, वो पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से विदा लेते समय कहती हूँ, कर्म अच्छे करते रहिए, धर्म की राह पर चलते रहिए। जय श्री महाकाल।